उन्नाव के गांधीनगर तिराहे के पास एनसीसी ग्राउंड में रखे लकड़ी के ढेर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख मौजूदा लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें एफएसओ शिवराम यादव ने बताया कि आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं हुई है, आग पर काबू पा लिया गया है। हाँ, चूँकि एकदम पास में है हमारे फायर स्टेशन से, तो लोग देख करके बताए आग आग, और तत्काल हमने अपने यहाँ से दो गाड़ियाँ रवाना कराई और उसकी लपट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही थी। बगल में मकान को भी वो अपने घेरे में लेने वाली थी, और सामने जो दुकानें हैं यहाँ अगर उसमें आ जाती आग तो बहुत स्थिति दूसरी हो जाती है। मैंने तत्काल दो गाड़ियों से उस पर दो तरफ से घेर करके आग को बुझाना शुरू किया। कुछ लकड़ियों के, सूखी लकड़ियों के ढेर थे और उसमें आग लग गई थी। ऐसा लग रहा है किसी ने जो है लापरवाही पूर्वक कोई धूम्रपान बीड़ी सिगरेट कुछ डाल दिया था और उससे आग लग गई और आग पे काबू पाया गया।